टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर टाइम सीरीज। नाम देख के समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि टाइम सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा। अ सीरीज ऑफ डेटा अरेंज्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नाम क्या है? टाइम सीरीज है ना। वी केम अक्रॉस अ डेटा विच इज कलेक्टेड ऑन अ वेरिएबल एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। सच अ डेटा इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। तो टाइम सीरीज क्या है? एक स्टैटिस्टिकल डेटा है दैट आर अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइम सीरीज इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा दैट आर अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम सीरीज इज अ स्टैटिस्टिकल डेटा दैट आर अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पीगल क्या बोलता है देखो। अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट अ स्पेसिफाइड टाइम्स यूजुअली एट इक्वल इंटरवल्स। अकॉर्डिंग टू स्पीगल a time series is a set of observation taken at specified times usually at equal intervals. A time series is a set of observations taken at specified times usually at equal intervals. ye spiegel bola hai. Ya lun chau kya bola hai? A time series may be defined as a collection of reading belonging to different time period of same economic variable or composite of variables. या तो same economic variable बोल रहा है या composite variable मतलब more than one, that is two or more. Composite variable का मतलब होता है two or more. तो बहुत बार क्या आता है exam में, who said this? ये Spiegel क्या बोला था? इसीलिए कुछ कुछ का definition हम लोग को याद रखना चाहिए। ये सब जनरली किस में होता है? प्रोडक्शन में यूज होता है। तुम्हारा बर्थ रेट, शेयर प्राइजेस, डेथ, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना सेल्स कर रहा है, इनकम, ये सब चीज में जनरली यूज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम सीरीज का चार कंपोनेंट है, क्या क्या? सेक्युलर ट्रेंड, जिसको हम लोग बेसिक ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशंस। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज चार टाइप का होता है, फोर ब्रॉड कैटेगरीज, एक सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशंस, इरेगुलर वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशन मतलब क्या? शादी का लगन या विंटर टाइम्स या रेनी सीजन, सीजनल वेरिएशंस। ठीक है, साइक्लिकल वेरिएशन का मतलब क्या होता है? एक साइकिल मतलब दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल बाद वापस से क्या होगा? एक बूम आएगा। और इरेगुलर वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा एग्जांपल है, हम लोग जॉब करते हैं तो हम लोग को पता है कि हर साल इतना हम लोग को ग्रोथ मिलने वाला है। ठीक है, सीजनल वेरिएशन क्या होता है? जैसे मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो अगर मैं ऑडिट करूँगा तो सितंबर मंथ में क्या होता है? ओवरटाइम होता है, दैट इज सीजनल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? हर चार साल में, पाँच साल में आपका प्रमोशन होगा। इरेगुलर वेरिएशन क्या हुआ? अचानक से कोई ग्रोथ अगर आपको दिख जाए, ठीक है, या कोई कारण से, कोई फैक्टर से आपका इनकम बढ़ जाए, दैट इज इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं सेक्युलर ट्रेंड के बारे में या सिंपल ट्रेंड क्या होता है। सेक्युलर ट्रेंड इज द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ द टाइम सीरीज टू मूव इन एन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट इंडिकेट्स हाउ ऑन द होल इट हैज बिहेव्ड ओवर द एंटायर पीरियड अंडर रेफरेंस। दीज आर रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फोर्सेज दैट ग्रेजुअली ऑपरेट ऑन द टाइम सीरीज वेरिएबल। अ जनरल टेंडेंसी ऑफ ए वेरिएबल टू इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट इन लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड ट्रेंड ऑफ अ वेरिएबल। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अ जनरल टेंडेंसी ऑफ अ वेरिएबल टू
इंक्रीज कॉमा डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट इन लॉन्ग रन इज कॉल्ड ट्रेंड ऑफ अ वेरिएबल, इज कॉल्ड ट्रेंड ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेकुलर ट्रेंड इंडिकेट्स हाउ ऑन द होल वेरिएबल हैज बिहेव्ड ओवर द एंटायर पीरियड अंडर रेफरेंस। ये दो ही बात इसमें हम लोग को सीखने का है, क्लियर। नेक्स्ट सीजनल वेरिएशन, ठीक है, ओवर अ स्पैन ऑफ वन ईयर सीजनल वेरिएशन टेक प्लेस ड्यू टू द रिदमिक फोर्सेस व्हिच ऑपरेट इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर। दिस फोर्सेस हैव द सेम और ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ईयर आफ्टर ईयर। इट इज कॉमन नॉलेज दैट द वैल्यू ऑफ मेनी वेरिएबल्स डिपेंड्स इन पार्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर। फॉर एग्जाम्पल सीजनल वेरिएशन कुड बी सीन एंड कैलकुलेटेड इफ द डेटा रिकॉर्डेड क्वार्टरली मंथली वीकली डेली और आवरली बेसिस। सो इफ इन अ टाइम सीरीज डेटा ओनली एनुअल फिगर्स आर गिवन देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन। ठीक है, द सीजनल वेरिएशन मे बी ड्यू टू वेरियस रीजन्स और वेदर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक वुड गो अप इन समर एंड दिस वेरिएशन मे बी ऑल्सो ड्यू टू मैन मेड कन्वेंशंस एंड ड्यू टू हैबिट्स कस्टम्स और ट्रेडिशंस। ठीक है, तो लिखना है हम लोग को ओवर अ स्पैन ऑफ वन ईयर सीजनल वेरिएशन टेक प्लेस विद द रिदमिक फोर्सेस विच ऑपरेट इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर। ओवर अ स्पैन ऑफ वन ईयर सीजनल वेरिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिदमिक फोर्सेस विच ऑपरेट इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर विच ऑपरेट्स इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक मैनर। सेकेंड पॉइंट, इफ इन अ टाइम सीरीज डेटा ओनली एनुअल फिगर्स आर गिवेन देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन। इफ इन अ टाइम सीरीज डेटा ओनली एनुअल फिगर्स आर गिवेन देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशंस there will be no seasonal variations. ठीक है, the methods of seasonal variations are simple average method, ratio to trend method, ratio to moving average method and link relatives method. The method of seasonal variations are simple average method, ratio to trend method, ratio to moving average method and link relatives method. ठीक है, ये चार तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीजनल वेरिएशंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साइक्लिकल वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। साइक्लिकल वेरिएशन विच आर ऑल्सो जनरली टर्म्ड एज बिजनेस साइकिल। तो पहला पॉइंट में क्या लिखना है, साइक्लिकल वेरिएशंस आर ऑल्सो टर्म्ड एज बिजनेस साइकिल्स। साइक्लिकल वेरिएशंस आर ऑसिलेटरी मूवमेंट्स रिकरिंग आफ्टर ए पीरियड फ्रॉम सीजन टू सीजन बोलने का मतलब क्या है, एक बिजनेस साइकिल का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, तो इसका चार फेज है, साइक्लिकल वेरिएशन का चार फेज होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, और ये जो पूरा है ये 7 से 9 साल का होता है जनरली। ये चारों मिला करके 7 से 9 साल का है। ठीक है,
What are the four phases of cyclical variations? Boom, matlab prosperity, recession, depression and recovery. Point number four kya hai? Irregular variation. So, irregular variation occur on account of random external events. Arising as a result of unforeseen and unpredictable forces. Which operate in absolutely random or erratic manner. Causes due to floods, war, famines, earthquakes, strikes, lockouts, epidemics, etc. Due to floods, wars, famines, earthquakes, strikes, lockouts, epidemics, etc. अब दो मॉडल होता है इसका. दो मॉडल होता है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव. तो हम लोग नाम दे रहे हैं, ये जो तुम लोग लिखा है सेक्युलर ट्रेंड, इसको टी नाम दे दो. सीजनल वेरिएशन को एस, साइक्लिकल को सी और इसको आई. एडिटिव मॉडल में वाई टी का मतलब क्या है? वाई टी का मतलब क्या हुआ? इक्वल्स टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई. एडिटिव में और मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई हो जाएगा. YT का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम सीरीज. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू. मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम सीरीज इज द सम ऑफ द सेपरेट इन्फ्लुएंसेस ऑफ इट्स फोर कॉम्पोनेंट्स. एडिटिव मॉडल में टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई. और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में लिखो टाइम सीरीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फोर कॉम्पोनेंट्स. ठीक है. अब एक नोट लिखो. नोट मल्टीप्लिकेशन मॉडल इज यूज मोर फ्रीक्वेंटली because it is considered that forces responsible for one type of variation are also responsible for other type of variations.
other type of variation are also responsible for other type of variation. ठीक है. Under the additive model, a monthly sale of itna are explained as follows. The trend might be 20,000, seasonal factor 1500. The month question is a good one for expected to be 1500 over the trend. The cyclical factor is 800. A general business slump is expected to depress sales by 800. A residual factor 410. Due to unpredictable random fluctuations. तो देखो क्या बोलना चाह रहा है इसमें. देखो तुमको बोलता है 20,000 21,000 जो 210 है, 21,000 जो 110 है वो कैसे आया है. 20,000 मेरा बेसिक ट्रेंड है, फिर तुम्हारा नॉर्मली 1500 बढ़ेगा, 800 रुपया स्लम के कारण, और प्लस 410 में मेरा इरेगुलर मूवमेंट के, करके देखो कितना आ रहा है, करके देखो कितना आ रहा है. इक्कीस हजार 110 ही आएगा. ठीक है. अब बोलता है ये लोग अगला क्वेश्चन में, ये अगला क्वेश्चन एक्चुअली दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस कैन बी क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है. इसमें ट्रेंड बोल दिया 20,000, सीजनल फैक्टर दिया है, साइक्लिकल फैक्टर दिया है, रेसिडुअल फैक्टर दिया है. मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा. अगर सीजनल फैक्टर 1.15 होता है तो इसका मतलब है गुड मंथ फॉर सेल्स, एक्सपेक्टेड टू बी 15% अबव द ट्रेंड. 0.90 होता है इसका बिजनेस स्लंप बोलते हैं, एक्सपेक्टेड अ कॉस्ट टू 10% रिडक्शन इन सेल्स. 1.02 मतलब रैंडम फ्लक्चुएशंस ऑफ प्लस 2 फैक्टर. ठीक है, अब जो पहला कंपोनेंट है उसको निकालने का चार तरीका है, फ्री हैंड कर्व, सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस और मेथड ऑफ ली स्क्वायर. सारा है सिलेबस में. द फॉलोइंग मेथड्स आर द मेथड्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्टडिंग एंड मेजरिंग द ट्रेंड कॉम्पोनेंट. ट्रेंड कॉम्पोनेंट मतलब जो पहला नंबर पॉइंट है, बेसिक ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड, ग्राफिक और अ फ्री हैंड मेथड, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, मेथड ऑफ ली स्क्वायर्स. क्लियर. चलिए, ग्राफिक और फ्री हैंड कर्व मेथड सिर्फ क्या करना है, प्लॉट करना है और एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है. तो लिखो द डेटा The data of a given time series is plotted on a graph and all the points are joined together with a straight line. The data of a given time series is plotted on a graph and all the points are joined together with a straight line. ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, मेरा कर्व इरेगुलर बनेगा और एक छोटा मोटा ऑसिलेशन होगा इसमें, छोटा मोटा ऑसिलेशन होगा.
तो इसको स्मूदन करने के लिए क्या किया गया है, अ फ्री हैंड कर्व और लाइन अलोंग द कर्व प्रीवियसली ड्रॉन, ठीक है। तो ये जो कर्व हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ये एलिमिनेट करेगा शॉर्टर ऑसिलेशंस एंड शो हाउ द लॉन्ग पीरियड जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा, ठीक है। तो हम लोग पहले फ्री हैंड में कर्व बनाएं, फ्री हैंड में कर्व बनाएं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि हम लोग को लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चले और जो शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन है उसको हम लोग क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। तो इसका मेरिट्स क्या है, वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड और कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं चाहिए, वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड and does not require any mathematical calculations, very simple and easy to understand and does not require any mathematical calculations. Disadvantages में क्या बोल रहा है, ये subjective concept है, तो इंसान कहीं से भी line बनाना चालू करता है, कोई सा भी slope ले लेता है। तो different person may draw freehand lines at different positions and with different slopes. If the length of the period for which the curve is drawn is very small, it might give totally erroneous results. So disadvantage mein kya hai? Likho, different person may draw freehand lines at different positions and with different slopes. Different person may draw freehand lines at different positions and with different slopes. और एक आपका वो क्या है डिसएडवांटेज, कि लेंथ ऑफ द पीरियड फॉर विच द कर्व इज ड्रॉन अगर छोटा रहेगा तो इट माइट, मतलब क्या हो सकता है ऐसा, पूरा गलत रिजल्ट दिखाए, पूरा गलत रिजल्ट दिखाए। आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन का मैं बात कर रहा था, टू स्मूदन द कर्व, शॉर्ट टर्म ऑसिलेशंस है ना, मूवमेंट्स है कर्व में। तो ये जो डॉटेड लाइंस है, व्हाट इट इज शोइंग द बेसिक ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, पहला तो लिखो स्टेप वन, द होल टाइम सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, step 2, the averages of each half are calculated, step 3, the arithmetic mean for a half is taken to be representative of the whole, the arithmetic mean for a half is taken to be representative of the value corresponding to the midpoint of the time interval of that half. The arithmetic mean for a half is taken to be representative of the value corresponding to the midpoint of the time interval of that half. So step 1 mein kya kiya, do half mein baata, step 2 mein kya kiya, har half ka average nikala, aur step 3 mein kya kar raha hai, फर्स्ट हाफ का मिड पॉइंट में प्लॉटिंग किया, सेकेंड हाफ का मिड पॉइंट में प्लॉटिंग किया। तो अब देखो क्या हो रहा है, दो पॉइंट आएगा ना, step 4, two points are plotted on a graph,
two points are plotted on a graph and then are joined by straight line, which is our required trend line. Two points are plotted on a graph and then are joined by straight line, which is our required trend line. Which is our required trend line. Which is our required trend line. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री है ये. देखो कितना है, सात है ना, नंबर ऑफ इयर्स काउंट करो कितना है, सात है. तो दो इक्वल हाफ तो हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वालों को इग्नोर कर देते हैं. क्या कर देते हैं, इग्नोर. तो इस तीन का एवरेज और इस तीन का एवरेज ये वाले साल में प्लॉटिंग होगा एंड जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे. पहले हम लोग का फर्स्ट हाफ कौन सा हुआ, मैं बनाता हूं, देखो ध्यान से. ये मान लो मेरा 2001 हो गया और ये मान लो मेरा 2005 हो गया. अगर ये मेरा 100 है, 105, 110, 115, तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, देखो तो पहला वाला का एवरेज कितना आ रहा है, 106.67. तो मेरा प्लॉटिंग विल बी समवॉट हेयर. और उसका एवरेज कितना आ रहा है, 133.33. उसका प्लॉटिंग विल बी समवेयर हेयर. तो मेरा ये लाइन हो जाएगा. हाँ ये गलत है शायद, देखो तो 113.33 आ रहा है ना. मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, तो ये मेरा ट्रेंड लाइन हो गया. 113.33 होगा कहाँ पर, वो तुम छोड़ो ना, हम तो बनाए तुमको यहाँ पर. ये सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है, लेकिन प्लॉटिंग इतना सारा नहीं करना है. 2001 में प्लॉटिंग करो, कहाँ प्लॉटिंग होगा, यहाँ हो रहा है, और 2005 में यहाँ प्लॉटिंग हो रहा है. दोनों को ज्वाइन कर दो, ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन हो गया. ठीक है, ऑड नंबर रहता है तो मिडिल वाले ईयर को इग्नोर कर देते हैं. ऑड नंबर रहता है तो मिडिल वाले ईयर को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, मूविंग एवरेज मेथड. ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है. अ मूविंग एवरेज इज एन एवरेज. अ मूविंग एवरेज इज एन एवरेज ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स विच मूव्स थ्रू अ सीरीज बाय ड्रॉपिंग द फर्स्ट आइटम ऑफ द प्रीवियसली एवरेज्ड ग्रुप एंड एडिंग द नेक्स्ट आइटम इन ईच सक्सेसिव एवरेज. मतलब तीन साल का है तो पहला तीन साल का लिए, अब जब नेक्स्ट वाला लेंगे तो पहला वाला को छोड़ के नीचे वाले को ले लेंगे. मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे मान लो ये पांच साल का डेटा है, तो पहले 1, 2, 3 का निकलेगा, फिर 2, 3, 4 का, फिर 3, 4, 5 का. एक ऊपर वाले को छोड़ के एक नीचे वाले को इंक्लूड कर लेते हैं अपने. अब मूविंग एवरेज इज एन एवरेज ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स which moves through a series by dropping the first item of the previously averaged group and adding the next item in each successive average. In each successive average. हम लोग एग्जाम में अगर आ सकता है कॉमनली 3 ईयर, 5 ईयर, 4
4 ईयर, वेटेड अनवेटेड दोनों ही है सिलेबस में, 3 ईयर 5 ईयर 4 ईयर। ठीक है, अ मूविंग एवरेज एन एवरेज ऑफ फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स विच मूव्स थ्रू अ सीरीज बाय ड्रॉपिंग द फर्स्ट आइटम ऑफ द प्रीवियसली एवरेज ग्रुप एंड एडिंग द नेक्स्ट आइटम इन ईच सक्सेसिव एवरेज। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तुमको तो एग्जाम में ईयर और वेजेस दिया रहेगा, इसको हम लोग वाई बोलते हैं। ईयर और वेजेस दिया रहेगा, इसको हम लोग वाई बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, फिर 3 ईयर मूविंग टोटल को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। और ये जो मेरा वैल्यूज आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड वैल्यूज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड वैल्यूज। कैलकुलेशन खुद से करिएगा। पहले ये 3 आया आपका, इसका प्लॉटिंग यहाँ हुआ, फिर ये 3 ले रहे हैं हम लोग, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, लास्ट में ये 3। पहले ये 3 लिए, फिर ये 3 लेंगे, फिर ये 3, एक छोड़कर एक ले रहे हैं। हाँ तो ये 4100 कैसे आया, 1200 प्लस 1500 प्लस 1400। अब क्या करना है, 1500 प्लस 1400 प्लस 1750, अब क्या आएगा, 1400 प्लस 1750 प्लस 1800, फिर क्या आएगा, 1800 प्लस 1700, 1750 प्लस 1700, फिर तुम्हारा आएगा 1800 प्लस 1700 प्लस 1600। जोड़ते जाना है, फिर डिवाइडेड बाई 3 करना है, फिर डिवाइडेड बाई 3 करना है, फिर डिवाइडेड बाई 3 करना है। थ्री ईयर बोलेगा तो पहला वाला का और लास्ट वाला का आंसर नहीं आएगा, आगे देखेंगे हम लोग करेंगे। पहले 3 ईयर सीखो, 1200, 1500, 1400 वैल्यूज ठीक से कॉपी करना। अब ठीक, इसके बगल में कॉलम बनाएंगे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का। इस कॉलम का नाम है YT और इस कॉलम का नाम है Y। तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Y माइनस YT। Y माइनस YT आएगा 133.33, ये आ जाएगा -150, 100, 50, 0, 0, -116.67,
वाई माइनस वाई टी, क्लियर है? हाँ चलिए, हेडिंग दीजिए फोर ईयरली मूविंग एवरेज, हेडिंग दीजिए फोर ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। अब फोर का मिड वैल्यू क्या होता है? 2.5। तो अब यहां पे क्या करना है, पहला चार का टोटल लेना है और इसके बीच में पुट करना है अपने को, टू और थ्री के बीच में। पहला फोर वैल्यूज का टोटल करके टू और थ्री के बीच में पुट करना है, फिर तो एक एक छोड़ के करना ही है अपने को, फिर तो नॉर्मल हो गया, फिर तो एक एक छोड़ के करना है, फिर तो नॉर्मल हो गया। इसमें पहला दो का आंसर नहीं आएगा और लास्ट का दो का आंसर नहीं आएगा। हाँ फिर क्या करते हैं, इस दो का टोटल यहां लिखते हैं, इसको करेंगे डिवाइडेड बाई एट। सर डिवाइडेड बाई एट क्यों? क्योंकि इसमें चार का टोटल है, इसमें चार का टोटल है, तो इसमें कितना का टोटल हो गया? आठ का। आप लोग टोटल कैसे करते हैं? 5120 जब आ गया आपका, सुनो ध्यान से, तो पहला वाला को माइनस करके इसको ऐड कर दिया, यही तो कर रहे हैं हम लोग। 5120 में क्या है? पहला चार साल है, नेक्स्ट वाले में क्या चाहिए? ये वाला चार साल चाहिए, तो इस पोर्शन को माइनस करके इसको ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे? 5270 माइनस 1250 प्लस 1320, लिख लिया। फिर क्या करेंगे? माइनस 1320 प्लस 1500, लिख लिया। फिर क्या करेंगे? माइनस 1400 प्लस 1700, लिख लिया। ट्रिक क्या है? ट्रिक है जहां से शुरू हुआ उसको माइनस, और जहां पे खत्म हुआ उसके बाद वाला ऐड, उसके बाद वाला ऐड, जहां से शुरू हुआ उसको माइनस, जहां से शुरू हुआ उसको माइनस, और जहां पे खत्म हुआ उसके बाद वाला ऐड। क्लियर?
पैरेट में एट क्यों कर रहा है पता है ना आप लोग को? मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, घबराइए मत। क्लियर है यहां तक? नहीं नहीं इसका एवरेज नहीं निकालना है, ये 5120 प्लस 52 इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, यहाँ पर डिवाइड बाय 8 करना है। हाँ 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 ठीक है कोई बात नहीं। अब ये इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 मान के अलग से खुद से सॉल्व करो। चलो डेटा कॉपी करो, डेटा कॉपी करो और खुद से सॉल्व करना है इसको, ठीक है?